आप सभी जानते होंगे कि हर साल 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाल दिवस आखिर किसकी याद में मनाया जाता है? आइए खास दिन की कहानी को जानते हैं। दोस्तों, 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाने की परंपरा हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की याद में शुरू हुई थी। नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था और उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था। नेहरू जी का मानना था कि बच्चे देश का भविष्य है और उन्हें उच्च शिक्षा, प्यार और मार्गदर्शन की आवश्यकता है ताकि वे एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। बच्चों के प्रति उनके इस विशेष प्रेम के कारण बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। नेहरू जी का मानना था कि बच्चों की सही देखभाल और शिक्षा में ही देश की उन्नति छिपी हुई है। उनका कहना था कि आज के बच्चे कल का भविष्य है। उनके इस दृष्टिकोण के कारण बच्चों को लेकर उनके विचार हमेशा सकारात्मक थे, इसलिए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। ये दिन खास है क्योंकि ये बच्चों की खुशियों और उनके भविष्य के सपनों को सेलिब्रेट करने के लिए है। दोस्तों, बाल दिवस के मौके पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन प्यार करें, सुरक्षा, सही माहौल दें ताकि वे अपनी ज़िंदगी में ऊँचे मुकाम हासिल कर सकें। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखें। स्कूलों और कई संस्थानों में आज के दिन बच्चों के लिए तरह तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। खेल, नाटक, डांस, गाने के जरिए वे अपनी खुशियों को शेयर करते हैं। दोस्तों, हम सब मिलकर बच्चों के इस दिन को खास बनाएं, उन्हें प्यार दें, उनकी बात सुने और उनके सपनों को पंख दें। तो बच्चों, खूब खेलो, पढ़ाई करो और बड़े बड़े सपने देखो। हम सब मिलकर तुम्हारे सपनों को हकीकत बनाने में हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट में हमें बताइए कि कैसे अपने बच्चों का ये दिन खास बनाते हैं। सभी बच्चों को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।